शिक्षा के अंदर 18% जीएसटी लेने के निर्णय को तुरंत वापस लेने, शोधार्थी छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति देने और जो विद्यार्थी कोरोना के दौरान हुई परीक्षाओं को नहीं दे पाए उनकी परीक्षाएं जल्द करवाने की मांग एसएफआई द्वारा की जा रही है। एसएफआई ने विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद से विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष मांगों को उठाकर समाधान की अपील की है। आज विश्वविद्यालय के अंदर ईसी की मीटिंग थी जिसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज मेमोरेंडम जो है वो ईसी के लोगों को दिया है, जिसमें हमारी मुख्यतः फर्स्ट डिमांड ये थी कि ये जो जीएसटी फीस के साथ जोड़कर स्टूडेंट से लिया जा रहा है उसको स्टूडेंट से ना लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय जो देश और प्रदेश की हालात है वो ऐसी है कि मैक्सिमम जो अभिभावक हैं वो इस समय बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस समय के चलते ये बोल रहे हैं कि ये जीएसटी जिस तरह से फीसों के साथ वसूल किया जा रहा है वो वसूल ना किया जाए, और ईसी के सदस्यों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम इसे ईसी की बैठक में जो है वो उठाएंगे और आने वाले समय में जो है वो छात्रों को राहत देने का जो है वो काम किया जाएगा। और हमारी दूसरी डिमांड थी कि यूजीसी ने भी कहा है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो अपना सबमिशन करवा सकते हैं या अपना काम आगे कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अथॉरिटी की ये नाकामी है कि उन्होंने अभी तक भी कोई रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ना तो कैंपस खोलने का काम किया है और ना ही उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था की गई है। और हम यहाँ से सीधी डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए और उनके लिए जो है वो विश्वविद्यालय कैंपस जो है वो ओपन किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपना रिसर्च का काम कर सके। और जो हमारी तीसरी डिमांड थी कि हम जानते हैं कि जब यूजी और पीजी के एग्जाम हो रहे थे तब हमारे विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने ये एक हमें आश्वासन दिया था कि जो स्टूडेंट्स अभी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं या कोविड-19 के शिकार हुए हैं उन छात्रों को हम जो है दोबारा से मौका देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये दूसरा महीना चल पड़ा है जब एग्जाम हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है उनके लिए एक सिंगल नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है। हमने यहाँ से सीधी भी ये डिमांड की है कि उन सभी छात्रों को जो किसी कारणवश जो एग्जाम नहीं दे पाए थे उनके लिए जो है वो एक छात्रों को एग्जाम देने का मौका दिया जाए। और जो हमारी नेक्स्ट डिमांड थी कि हम जानते हैं कि LLM, MPhil और MEd इसके एंट्रेंस के लिए अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, और हम यहाँ सीधी डिमांड कर रहे हैं कि इन छात्रों के लिए जो है वो एंट्रेंस की डेट जल्द से जल्द निर्धारित की जाए और सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और इन्हीं तमाम एजेंडों को लेकर या इसमें एक डिमांड ये भी थी कि जिन छात्रों की एडमिशन विश्वविद्यालय के अंदर नहीं हो पाई है, जिनसे आपने जो है वो एंट्रेंस के नाम पर जो फीस वसूल की थी उन छात्रों को जो उनकी फीस रिफंड की जाए, इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है ईसी के सदस्यों को। और यदि इन मांगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्वविद्यालय अथॉरिटी और प्रदेश सरकार आने वाले समय के लिए एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।